नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। सबसे पहले आप सभी को गणेश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणेश भगवान आप सभी को सुख समृद्धि और सफलता प्राप्त करें। गणेश उत्सव के इस पावन अवसर पर आप अपना और अपनों का ध्यान रखें, खुश रहें और खुशियां बांटें। चलिए अब रुक करते हैं आज के बुलेटिन की ओर। हम शुरुआत करेंगे अहम और खास खबरों के साथ। संसद के विशेष सत्र के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में नए संसद भवन में विकसित भारत का संकल्प दोहराने का संकल्प लिया है और उन्होंने संकल्प लेते हुए यह बात कही है कि आज का नया संसद भवन हम सबके लिए बहुत खास है। चलिए आपको बताते हैं पीएम मोदी ने क्या कहा है अपने इस बयान में। सभी वरिष्ठ महानुभाव और 140 करोड़ देशवासियों के प्रतिनिधि, सभी माननीय सांसदगण, आपको और देशवासियों को गणेश चतुर्थी की अनेक अनेक शुभकामनाएं। आज भारत पांचवी अर्थव्यवस्था पर पहुंचा है, लेकिन पहले तीन में पहुंचने के संकल्प के साथ बढ़ रहा है। और मैं जिस स्थान पर बैठा हूं, जो जानकारियां प्राप्त होती है उसके आधार पर, विश्व के गणमान्य लोगों से बातचीत करता हूं उसके आधार पर, मैं बड़े विश्वास से कह रहा हूं, हम में से कुछ लोगों की निराशा हो सकती है, लेकिन दुनिया आश्वस्त है कि भारत टॉप थ्री में पहुंच के रहेगा। भारत का बैंकिंग सेक्टर आज अपनी मजबूती के कारण से फिर एक बार दुनिया में सकारात्मक चर्चा का केंद्र बना हुआ है। अब इसमें हमें पीछे नहीं रहना है। हमारे शिक्षा जगत को नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मिली है, एक खुलापन है, सर्वस्वीकृत बनी है, उसके सहारे अब हमें चल पड़ना है और दुनिया के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में। अभी जब G20 में विश्व के मेहमान आए तो मैंने नालंदा की एक तस्वीर रखी थी वहां, और जब मैं दुनिया को लड़कों को कहता था 1500 साल पहले मेरे देश में दुनिया की उत्तम से उत्तम यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, तो उन सुनते ही रह जाते थे। लेकिन हमें उसे प्रेरणा लेनी है, पर प्राप्त तो अभी करके रहना है, यह हमारा संकल्प होना चाहिए। आज संसद का स्पेशल सेशन कल शुरू हो चुका है और यह स्पेशल सेशन कल से 5 दिनों तक यानी 18 से 22 सितंबर तक चलेगा और संसद के इस विशेष सत्र में एक देश के एक चुनाव, महिला आरक्षण, सम्मान नागरिक संहिता सहित कई संविधान संशोधन बिल पेश किए जाएंगे, वहीं जिसमें से कल रात में महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है। अब इस सत्र में कितने वादे पूरे किए जाते हैं यह तो वक्त ही बताएगा। आइए संसद के स्पेशल सेशन पर दिखाते हैं आपको आर्य न्यूज की यह खास रिपोर्ट। पांच दिनों तक चलने वाले संसद के विशेष सत्र के साथ ही विपक्ष ने भी मोदी सरकार को घेरने के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। विपक्ष इस बात को लेकर नाराज है कि आखिर में सरकार ने सत्र बुलाने से पहले सलाह क्यों नहीं ली, चर्चा क्यों नहीं की। भूतकाल में जब नैम की समिट हुई थी, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करके देश के इस प्रयास को सराहा। आज G20 की सफलता को भी आपने सर्वसम्मति से सराहा है, मैं मानता हूं देशवासियों का आपने गौरव बढ़ाया है, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। G20 की सफलता 140 करोड़ देशवासियों की है।
ये भारत की सफलता है, किसी व्यक्ति की सफलता नहीं है, किसी दल की सफलता नहीं है। भारत के फेडरल स्ट्रक्चर ने, भारत की विविधता ने 60 स्थानों पर 200 से अधिक समिट और उसकी मेजबानी हिंदुस्तान के अलग अलग रंग रूप में देश की अलग अलग सरकारों ने बड़े आन बान शान से की और ये प्रभाव पूरे विश्व भर के मन पर पड़ा हुआ है। ये हम सबके सेलिब्रेट करने वाला विषय है, देश के गौरवगान को बढ़ाने वाला है। विशेष सत्र का पहला दिन पुराने संसद भवन में ही आयोजित हुआ, लेकिन दूसरे दिन से सत्र की कार्यवाही नए संसद भवन में की जाएगी। संसद भवन की बिल्डिंग भले ही नहीं हो, लेकिन मुद्दे वही पुराने उठने वाले हैं। बैठक में विपक्ष की ओर से महिला आरक्षण विधेयक को पेश करने की मांग रखी गई। हालांकि सत्र का एजेंडा सरकार जारी कर चुकी है, लेकिन इसके बावजूद विशेष सत्र बुलाए जाने के कारणों को लेकर विपक्ष अभी भी आश्वस्त नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, देश की 75 वर्षों की संसदीय यात्रा, उसका एक बार पुनः स्मरण करने के लिए और नए सदन में जाने से पहले उन प्रेरक पलों को, इतिहास की महत्वपूर्ण घड़ी को स्मरण करते हुए आगे बढ़ने का ये अवसर है। हम सब इस ऐतिहासिक भवन से विदा ले रहे हैं। आजादी के पहले ये सदन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का स्थान हुआ करता था। आजादी के बाद ये संसद भवन के रूप में उसको पहचान मिली। ये सही है, इस इमारत के निर्माण करने का निर्णय विदेशी शासकों का था, लेकिन ये बात हम न कभी भूल सकते हैं और हम गर्व से कह सकते हैं कि इस भवन के निर्माण में पसीना मेरे देशवासियों का लगा था, परिश्रम मेरे देशवासियों का लगा था और पैसे भी मेरे देश के लोगों के। संसद के विशेष सत्र में एक देश एक चुनाव, महिला आरक्षण, समान नागरिक संहिता सहित कई संविधान संशोधन समेत बिल पेश होने की भी अटकलें लगाई जा रही है, जिस पर पिछले सत्रों की तरह ये भी हंगामेदार रहने की पूरी संभावना है। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में मौजूद आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण के कार्यालय में देर रात आग लग गई। आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण के चेयरमैन तापस बांदोपाध्याय ने जानकारी देते हुए बताया कि देर रात तकरीबन 2 बजे कार्यालय में आग लगी, जिसके बाद दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाई, जिन्होंने सुबह 5 बजे तक आग बुझाने का प्रयास किया, जिसके बाद अभी स्थिति नियंत्रण में है और सरकारी दफ्तर होने के कारण कई दस्तावेज कार्यालय में मौजूद थे जो जलकर खाक हो गए हैं। आग के कारण का पता अभी फिलहाल नहीं चल पाया है और वहीं कूलिंग प्रोसेस जारी है। आज दिल्ली परिवहन निगम व्यवस्था में लगे हुए बस मार्शल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर धरना प्रदर्शन करने पहुंचे। दरअसल बस मार्शल को पिछले 5 महीने से वेतन नहीं दिया गया है, इसी आक्रोश में बस मार्शल द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय व दिल्ली सचिवालय में ज्ञापन भी सौंपा और इन मार्शलों के साथ DTC कर्मचारी एकता यूनियन ने भी पूरी तरीके से सहयोग किया है। उनके साथ ही धरना प्रदर्शन करते हुए बस मार्शल ने अपनी यह मांगे रखी कि दिल्ली सरकार जल्द ही उनका वेतन दे, अन्यथा वह सांकेतिक धरना प्रदर्शन अनिश्चितकाल प्रदर्शन का रूप ले सकता है, जिसमें DTC बस ने
तैनात दिल्ली सिविल डिफेंस और दिल्ली गृह रक्षक और डीटीसी के पेंशन भोगी जिनकी 3 महीने से पेंशन भी नहीं मिली है, आशा वर्कर जो आज भी अपनी पूरी टीम के साथ धरना प्रदर्शन में शामिल थी, तथा डीटीसी के किलोमीटर के ड्राइवर जिनको की रोजगार से निकाला जा रहा है, मिलकर एक बड़े प्रदर्शन आंदोलन की ओर अग्रसर होंगे। हैदर है और मैं यहाँ पर सीएम हाउस पे हम लोग आए हैं, बस मार्शल हैं। हमारा यहाँ 4-5 महीने हो गए हमें जो है झूठा आश्वासन दे रहे हैं ट्रांसफर के नाम पर, और ना ही हमारी 4 महीने से सैलरी दी है, ट्रांसफर भी नहीं करे गए हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे ट्रांसफर हो जाए जल्दी से और सैलरी भी हमारी 4 महीने की आ जाए। अभी हम यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो हमारे सारे साथी यहाँ पर आए हुए हैं, 16,000 बस मार्शल हैं जो 4 महीने से परेशान हैं, इनकी सैलरी नहीं आई है, और 600 कुछ मार्शल जिनका अभी ट्रांसफर भी नहीं हुआ है। वहीं जन आशीर्वाद यात्रा क्रमांक 1 पन्ना जिले के अजयगढ़ पहुंच गई है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा आज पन्ना पहुंचे और उन्होंने अजयगढ़ में आयोजित जनसभा से गांधी परिवार पर तीर चलाए और कहा कि कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान से नफरत का सामान बेचा जा रहा है। जब सिख मारे जा रहे थे तब उनकी मोहब्बत की दुकान कहाँ थी? वहीं उन्होंने कांग्रेस से कहा कि वह अपनी स्थिति स्पष्ट करें। हेमंत विश्व शर्मा ने आगे यह भी कहा कि 5,000 वर्ष पुराना हिंदू धर्म सनातन है, अब भारत मोदी जी के नेतृत्व में विश्व गुरु बनने जा रहा है और विवेकानंद जी का सपना साकार हो रहा है। वैसे आया अच्छा स्कीम है, अमरीत कल्याण के बार बार बयान आ रहा है, सनातन का विरोधी हर बार बार बयान आ रहा है, गांधी परिवार को अपना स्थिति स्पष्ट करना चाहिए और नहीं तो देश का आक्रोश गांधी परिवार का ऊपर है, गांधी परिवार यह समझ लेना चाहिए। अच्छा, मध्य प्रदेश में क्या होने वाला है? 150 का ऊपर सीट जीतेगा बीजेपी। वहीं डीएम एवं सीएमओ के फर्जी हस्ताक्षर से जारी पत्र का जिला मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लिया है और सीएमओ के द्वारा पत्र को फर्जी बताया है और उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाकर अलीगढ़ में डीएम के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है, जिसके बाद से चिकित्सालयों में हड़कंप मच गया है और पत्र के माध्यम से कुछ लोगों के द्वारा अवैध वसूली की भी बात सामने आ रही है, जिसको लेकर डीएम अलीगढ़ के द्वारा पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए सीएमओ अलीगढ़ को जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए थे। पूरे मामले में सीएमओ अलीगढ़ नीरज त्यागी के द्वारा अलग अलग वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपी की शिनाख्त करने की बात कही जा रही है, साथ ही आरोपी के खिलाफ थाना क्वारसी में मुकदमा भी पंजीकृत कर दिया गया है। आपको बता दें कि अलीगढ़ में बीते 17 सितंबर रविवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं जिलाधिकारी अलीगढ़ के हस्ताक्षर से जारी पत्र में जनपद के समस्त निजी चिकित्सकों को आदेशित किया गया है कि राष्ट्रीय टीबी अनुमूल के अंतर्गत महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश के टीबी मरीजों को गोद लेने के कार्यक्रम के अंतर्गत स्वेच्छा से कम 2 मरीज गोद लेने हैं। पत्र में मरीज को पौष्टिक आहार चना सोयाबीन मूंगफली प्रोटीन एक्स एवं हॉर्लिक्स के डिब्बे निरंतर 6 माह तक उपलब्ध कराने या प्रति मरीज के दर से 10,000 रुपये जिला समन्वयक विवेक चौहान को उपलब्ध कराकर रसीद प्राप्त करने की बात भी कही है। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि यह पत्र पूरी तरह से फर्जी है, जिला प्रशासन द्वारा इसका पूरी तरह से खंडन किया जाता है। फर्जी पत्र का त्वरित संज्ञान लेते हुए सीएम अलीगढ़ नीरज त्यागी के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि उपरोक्त पत्र पूरे तरीके से फर्जी है, जिसका संज्ञान में लेते हुए उनके द्वारा थाना कुवारसी में आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। ये 17 सितंबर का पत्र व्यवहारित किया जा रहा है जो पूर्णतः फर्जी है, निराधार है, और इस पत्र के माध्यम से जो हमारे चिकित्सालय हैं उसमें पोषण पोटली वितरण के नाम पर धन उगाही के प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे ही मामला ये संज्ञान में लिया गया है, मेरे कार्यालय की टीम, हमारे क्वारसी थाने की टीम संयुक्त रूप से इसका संज्ञान लिए हुए हैं। जैसे ही इस व्यक्ति को चिन्हित कर लिया जाएगा, उचित विधिक कार्रवाई दंडात्मक कार्रवाई व्यवहार में ली जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे एक अगली खबर की ओर, जो कि आ रही है उत्तर प्रदेश से। अलीगढ़ शहर में लंबे समय से जलभराव की समस्या से जूझ रही जनता के द्वारा आज बजरंग दल के दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर रोड को जाम करने का काम किया गया है। साथ ही मौजूदा मेयर प्रशांत सिंगल के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की गई। वहीं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर कहना है, या तो मेयर गद्दी छोड़े या फिर अलीगढ़ शहर से गंदगी को मिटाने का काम करे। इसके बाद मेयर अलीगढ़ के द्वारा जनता को जल्द ही कार्य पूरे करने का आश्वासन दिया गया है।
की आई हुई समस्या है, इन सब पे ऑलरेडी प्लान हमारा बन चुका है, उसको समय के साथ ही वो काम पूरा होगा। पानी की समस्या बता रहे हर वार्ड में जो तीन की समस्या लगने के ऑलरेडी आदेश जारी हो चुके हैं। जो शहर में गड्ढे हैं भरे हुए हैं उसमें बारिश के मौसम में काम नहीं हो सकता। आप क्या चाहते हैं कि शहर में जो पैसा लगे बारिश के टाइम में वो जो गड्ढे भरे हैं वो बिगड़े, एक दिन में बारिश से खराब हो जाए कि ना हो? इसलिए जो चीज बारिश के जो रुकी हुई थी अक्टूबर में शहर के सारे बड़े रोडों पे गड्ढा मुक्त करने का ऑलरेडी आदेश पारित कर दिए गए हैं। रही बात जल भराव की, वो शहर की शायद सालों से समस्या है, वो कोई जगह उसका प्लान लेकर आए। हमारा पूरा संगठन तैयार है कि शहर कैसे जल भराव की समस्या से निकले। वहीं रायबरेली में सलोन कोतवाली क्षेत्र के सदरपुर गांव में हरिश्चंद्र नाम के व्यक्ति की भांजी का बर्थडे कार्यक्रम था। जानकारी के अनुसार सोमवार दोपहर हरिश्चंद्र की पत्नी अपने मायके तेरहा गांव में अपने ससुराल सुदरपुर आई थी। किसी बात को लेकर संजना गांव के बाहर छोटी नहर माईनगर में कूद गई और ग्रामीणों की मदद से उसे फिर बाहर निकाला गया, रोहनिया CHC लाया गया, जहाँ पर उसकी मौत की घोषणा की गई। मौत की खबर सुनकर मायका पक्ष के लोगों ने अस्पताल में आकर जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद मृतका के भाई अखिलेश ने बताया कि उनकी बहन 6 महीने से मायके में उनके साथ रह रही थी और वहीं सोमवार दोपहर को अपनी 3 माह की बेटी वैष्णवी को घर पर ही छोड़कर ससुराल आई थी। शाम करीब 6 बजे मौत की सूचना मिली और वहीं मामले की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने सूचना पर पहुंचे सलोन पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। अखिल भारतीय क्षत्रिय शक्ति संगठन सुल्लेम सराय के दशकंदो मेला में पहली बार अखिल भारतीय क्षत्रिय शक्ति संगठन का मंच बनाकर सभी का स्वागत किया गया। वहीं संगठन के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे, जिनमें से अखिल भारतीय क्षत्रिय शक्ति संगठन के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर कमलाकर सिंह, संगठन के अध्यक्ष सुनील सिंह, हाईकोर्ट बार एसोसिएट भूतपूर्व उपाध्यक्ष, संगठन के राष्ट्रीय संरक्षण प्रमुख राजेश सिंह, संगठन जिला संयोजक आनंद सिंह, भूतपूर्व सभासद और संगठन के अन्य सभी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। गौतम बुद्ध नगर में महिला सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत बनाने के उद्देश्य से योगी सरकार द्वारा नोएडा में 4 पिंक पुलिस बूथ का निर्माण कराया गया है। इसकी मदद से अब 24 घंटे महिलाओं की सुरक्षा से संबोधित किसी भी विषय के लिए पुलिस सहायता दी जा सकेगी। बीते दिनों नोएडा के दौरे पर आए CM योगी आदित्यनाथ द्वारा इस पिंक पुलिस बूथ की शुरुआत भी कर दी गई है। वहीं इस पिंक बूथ से महिलाएं कैसे सुरक्षित है, क्या कुछ इंतजाम इस बूथ में है और हमारी राधिका राज वहां गई है और इस बूथ को कवर किया है, जिसके बारे में आपको हम इस खास रिपोर्ट में दिखाएंगे। चौकी में क्यों नहीं जा सकती, उनके लिए अलग से क्यों बनाया गया है ये पिंक बूथ? अगर हरासमेंट का कोई इशू है या कोई कंप्लेन है, महिलाओं की सेफ्टी के लिए बनाया गया है। इस फर्स्ट एड बॉक्स आप देख सकते हैं, बेड क्यों है मैं बताती हूँ आपको, दिखाना क्या चाहते हैं। ये पोस्टर में आप देख सकते हैं कि जो पुलिस है, नोएडा पुलिस की तरफ से एक खास पहल महिलाओं के लिए दी गई है। क्या है वो पहल मैं आपको बताती हूँ। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि आपको पिंक कलर का एक बूथ दिख रहा होगा, जिसमें काफी सारे पोस्टर भी बने हुए हैं। इस पोस्टर को देख के इतना तो समझ में आ रहा होगा कि ये पोस्टर आखिर दिखाना क्या चाहते हैं। ये पोस्टर में आप देख सकते हैं कि जो पुलिस है वो पुलिस महिलाओं को सुरक्षित हाथ में रखती है। ये इनका पोस्टर जो है वो संकेत देता है ये पोस्टर। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं कि ये जो बूथ है ये बूथ पिंक कलर का है, यानी इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये जो बूथ है ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया है, महिलाओं की सेफ्टी के लिए बनाया गया है। इस बूथ पर आप देख सकते हैं कि रिपोर्ट हरासमेंट के लिए भी नंबर दिया गया है। बेसिकली अगर जो लड़कियाँ हैं या महिलाएँ हैं उनको अगर हरासमेंट का कोई इशू है या कोई कंप्लेन है तो वो यहाँ आ सकती है। अब आपके मन में ये भी सवाल होगा कि वो चौकी में क्यों नहीं जा सकती, उनके लिए अलग से क्यों बनाया गया है ये पिंक बूथ।
दरअसल जो महिलाएं हैं वो चौकी में जाना कभी कंफर्टेबल फील नहीं करती, क्योंकि वहां पे जो मेल कंसलेंट होते हैं या फिर जो मेल सिपाही होते हैं उनसे उनको बोलने में इतना कंफर्टेबल नहीं लगता है। इसके लिए महिलाओं के लिए महिला सिपाही भी यहाँ पर मौजूद है, तैनात है, जो उन जिनसे वो अपनी सारी परेशानियों के बारे में बात कर सकती हैं। और ये खास करके कैसे बनाया गया, इसके अंदर क्या क्या है, हम आपको बताते हैं, चलिए मेरे साथ अंदर चलते हैं। अंदर चल के जानते हैं कि अंदर किस तरीके के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और कैसे अंदर से सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। आप अंदर देख सकते हैं, अंदर का भी माहौल काफी पिंक पिंक सा दिखाई दे रहा है, हो भी क्यों ना, क्योंकि महिलाओं के लिए आखिरकार बनाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर महिला सिपाही तैनात है जिनकी ड्यूटी 12 घंटे की होती है, सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। ये फर्स्ट एड बॉक्स आप देख सकते हैं, इस फर्स्ट एड बॉक्स में हर वो चीज़ है मौजूद है जो एक अगर कि चोट लगने वाले व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर किसी को चोट लग जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उसके लिए ये बनाया गया है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक डायरी या रजिस्टर जो है उसे मेंटेन किया जाता है। अगर कोई आता है अपनी परेशानी को लेकर तो वो यहाँ पर अपनी परेशानी बता सकता है, वो डेट के साथ यहाँ पर दर्ज हो जाती है और उसका तुरंत के तुरंत उस पर सुनवाई। आप देख सकते हैं जिसपे अलग अलग तरीके के नंबर लिखे हुए हैं कि आपको जिस सुविधा की ज़रूरत है उस सुविधा के लिए आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। फिर चाहे वो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन हो या वुमेन पावर हेल्पलाइन हो या अलग अलग इसमें जो नंबर्स है वो लिखे गए हैं, महिलाएं को किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो उसका बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखा गया है। साथ ही आप इस कमरे की बात करूं तो इस कमरे में आप देख सकते हैं एक बेड लगाया गया है। ये आखिर बेड क्यों है, मैं बताती हूँ आपको। ये बेड एक्चुअली इसलिए है कि अगर कोई महिला है उन्हें किसी तरीके की तकलीफ है या वो रेस्ट करना चाहती है, शॉर्ट रेस्ट करना चाहती है या ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहती है, पब्लिक प्लेस में ये करवाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो एक कमरे के लिए या एक सुविधा के लिए महिला के ध्यान में महिला सिपाही से बात करी जिनका कहना है कि यहाँ पर जो छोटे मोटे केस होते हैं उनको टैकल किया जाता है। जैसे अगर कोई छेड़खानी का केस हो या फिर किसी का सामान लापता हो जाए या खो जाए तो उस सब के लिए यहाँ पर जो महिलाएं वो आकर अपनी बात को कह सकती है और उनकी तुरंत के तुरंत जो है सॉल्यूशन उनके लिए निकला। फिलहाल नोएडा में अभी 4 बूथ ही है, लेकिन आगे जाकर जो यूपी सरकार है वो आगे क्या महिलाओं के लिए कानून बनाती है या योजना बनाती है ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो यूपी के मुख्यमंत्री है या फिर जो सत्ता में पार्टी है वो उनका यही कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या बेटी सुरक्षित होगी तभी विकास होगा। तो ये देखने वाली बात होगी कि अब आगे जो यूपी पुलिस है वो महिलाओं के लिए और क्या कड़े कदम उठाती है। कैमरामैन प्रियांशु के साथ मैं राधिका राज, आर्यन न्यूज़। तो अभी फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, आप देखते रहिए आर्या न्यूज़ में। आपके साथ अनाया शर्मा, अभी लेती हूँ विदा, नमस्कार।